हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ वेस्ट बॉटल्स का यूज़ करके कुछ प्लांटर्स बनाएंगे और उनमें कुछ प्लांट्स भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है प्लांटर। ये मेरे पास कुछ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी जिनको मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में जो हम घरों में जो पेंट यूज़ करते हैं उसका जो भी मैं थोड़ा बहुत पेंट बचा हुआ था तो उसका यूज़ करके मैंने इनको पेंट कर लिया है। और इनको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इस पर क्रिएटिविटी कर दी है। मुझे ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, बट जो भी थोड़ा बहुत मैंने यूज़ करके बना दिया है इनको, तो जो देखने में थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। और अब इनमें हम प्लांट्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपके घर में भी अगर कोई भी बॉटल वगैरह किसी भी तरह की बॉटल हो तो उनमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके इन्हें हम प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं ये। और वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके हम अपने गार्डनिंग में होने वाले खर्चों को भी कम कर सकते हैं और इनमें प्लांट्स भी अच्छे से चल जाते हैं। तो अभी हम इनमें प्लांट्स लगाने वाले हैं। फ्रेंड, देखिए, ये मैंने मिट्टी भी तैयार करके रख ली है। इसमें मैंने नीमखली काउडंग कंपोस्ट गार्डन सॉयल और कोकोपीट को मिला के मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद ये मैंने कुछ एक ही मैंने पॉट में कई सारी कटिंग्स ग्रो करी थी जिन्हें मैं अभी उसमें लगाऊंगी। फ्रेंड्स, जब भी कटिंग लगाएं तो एक ही प्लांटर में कई सारी कटिंग्स ग्रो करने से हमारे प्लांटर भी बच जाते हैं और कई सारी कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। ऐसे मैंने 5-6 कटिंग लगाई है, वो अच्छे से ग्रो भी हो गई है। और ये मैं नागुन की कटिंग ले रही हूँ अपने प्लांटर में लगाने के लिए। ये प्लांट भी गर्मियों में बहुत ही खिला खिला सा रहता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इसकी कटिंग ले ली। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। फ्रेंड्स, के बाद ये मेरे पास स्नेक प्लांट था। ये मैं नर्सरी से फ्री में लेके आई थी, वहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैं इसको ले आई। और इसके अलावा ये मैंने एक थर्माकोल के डब्बे में मैंने ये कोलियस का प्लांट ग्रो किया था। इसमें भी रूट्स आ गई हैं तो इसे भी मैं अब उसी वेस्ट बॉटल में अपने लगा दूँगी। इसके बाद हम इन्हें मिट्टी डाल के भर लेंगे। फ्रेंड्स, मिट्टी को वेल ड्रेन्ड ही बनाना चाहिए ताकि हमारे पॉट में पानी ना रुके। और जो भी हम ये प्लांटर बनाते हैं इनमें हमें अच्छे से होल भी कर लेना ताकि पानी रुकने की कोई समस्या ना हो और हमारे प्लांट्स अच्छे से चलें। फ्रेंड्स, ये मैंने सारे पॉट में मिट्टी भर के रेडी कर लिया है। अब एक एक करके इसमें हम सारी कटिंग्स लगा देंगे। आप भी अपने गार्डन को ऐसे ही वेस्ट चीज़ों से सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने नागदोन की जो कटिंग ली थी वो मैंने इसमें लगा दी है। फ्रेंड्स, इन बॉटल में मैं जो भी प्लांट्स लगा रही हूँ वो बहुत ही हार्डी प्लांट हैं और इन बॉटल्स में वो आराम से ग्रो भी हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट प्लांट इसमें मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये प्लांट भी। अगर हम इसका एक प्लांट भी लगा देंगे तो ये साइड से बेबी प्लांट निकालता रहता है और कुछ ही दिनों में ये पूरा पॉट कवर कर लेता है और बहुत ही अच्छे से चलता है ये प्लांट। मैंने भी कई सारी बॉटल्स में इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है। और बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है इस प्लांट की। इसके बाद इसमें मैं पत्थर चट्टा की कटिंग ली के मैंने इसको इसमें ग्रो कर रही हूँ। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही कम देखभाल में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं और ये जेड प्लांट है। इन बॉटल्स में मैं जो भी प्लांट लगा रही हूँ बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है।
नमस्ते फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इस डेविल्स बैकबोन की जो कटिंग रोकी थी पॉट में, उसमें देखिए रूट्स भी आ गई हैं। अब मैं इसको लगा दूंगी इसमें। इस प्लांट को भी हम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही कम देखभाल में ये प्लांट पूरी गर्मियों में आपके गार्डन को हरा भरा रखता है। और इसके बाद हम जो हमारे पास कोलियस की जो कटिंग मैंने ग्रो करी थी उसको भी हम इसमें लगा देंगे। इस प्लांटर को मैंने बॉटल के ऊपर वाले पार्ट से बनाया है, तो इसको मुझे हैंग करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी भी हवा या गरज चलेगी तो ये गिरने का भी चांस है, इसलिए मुझे इस प्लांट को हैंग करना पड़ेगा। और ये छोटू से मेरे इसमें मैं जेड प्लांट ही लगा रही हूँ। और सारे प्लांट्स को लगाने के बाद हम इन्हें वाटरिंग करेंगे, उसके बाद इनको शेड में रख देंगे 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर सनलाइट में रख देंगे। इस तरह से ये हमारे प्लांटर्स भी तैयार हो गए, वेस्ट चीज़ों का हमने यूज़ भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम सब भी में पानी डाल दे रहे हैं। और ये सब पानी डालने के बाद हम इनको शेड में रखेंगे। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।